मेवा सिंह, हरियाणा जिला कुरुक्षेत्र, लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए हूँ। मेरा विधानसभा क्षेत्र लाडवा है, जिसमें 152 पंचायत हैं, 3 बीडीओ ऑफिस हैं, 155 गांव हैं और एक कस्बा है लाडवा, जिसमें 18,000 नगर पालिका है। नहीं, बड़ा अच्छा लगा। 3 दिन से पूरे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों के एमएलए एमएलसी यहाँ पर मिले, एक दूसरे से बातचीत हुई और बड़े सीनियर नेताओं के विचार यहाँ पर सुनने को मिले। उसके लिए राहुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पूरे देश के एमएलएओं को, हर पूरी सभी पार्टियों के विधायकों को एक मंच पर इकट्ठा किया। देखिए, मैं अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद पहला पंचायत का चुनाव आया, पहला पंचायत का चुनाव मैंने लड़ा, उसमें मैं विजयी हुआ। 2 बार मैं अपने गांव रतनडेरा का सरपंच रहा, 5 साल ब्लॉक समिति का मेंबर रहा और 2000 से 2010 तक 5 साल, 10 साल जिला परिषद का मेंबर रहा, पहले 5 साल जिला परिषद का वाइस चेयरमैन रहा 2000 से 2005 तक और 2005 से 2009 तक जिला परिषद का कुरुक्षेत्र का चेयरमैन रहा। ये राजनीति में मैंने हमेशा लोगों की सेवा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके के विकास कार्य करवाने, इसी को एम मानकर मैंने राजनीति की और मैं पंचायत से लेकर और आज लाडवा विधानसभा से एमएलए हूँ। मैं उसमें कामयाब भी हुआ हूँ और अब भी मैं 24 घंटे, मैं नहीं मेरे बेटा भी हमेशा लोगों की सेवा में 24 घंटे लगे रहते हैं, लोगों के सुख में दुख में ज़्यादा से ज़्यादा उनके विकास कार्य करवाने, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का, हेल्थ का, जो भी हल्के के विकास कार्य उसमें लगे रहते हैं। देखिए, हमारे देश में एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें जो अधिकार मिले, हर नागरिक को समान अधिकार मिले और कोई भी प्रयास करके किसी भी फील्ड में अच्छी जगह पर वो जा सकता है। राजनीति में मेरे परिवार से कभी कोई राजनीति में नहीं रहा, मैं पहला आदमी हूँ जो सरपंच से लेकर एमएलए तक राजनीति में आया हूँ, ये हमारे लोकतंत्र की वजह से ही है। देखिए, राजनीतिक आदमी की अपनी पर्सनल लाइफ कोई नहीं होती, वो लोगों के लिए होता है और लोगों की सेवा करके, लोगों के काम करके और उसमें बैलेंस बना के ही परिवार चलाना पड़ता है। लेकिन आज के समय में राजनीति सबसे मुश्किल काम है, अपने उसकी पर्सनल कोई लाइफ नहीं होती। 24 घंटे लोग मिलने के लिए उसको रात के 10 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे आ सकते हैं, सुबह 4 बजे भी आ जाते हैं और किसी भी समय उनकी समस्या सुन के उनका समाधान करना पड़ता है। देखिए, मैं जब से राजनीति में लगा हूँ, लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सत्य और दूसरों के लिए कुछ करके, उनके काम आके, उनकी सेवा करके जो सुख अनुभव होता है वो सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, मैं नौजवानों को एक ही बात कहता हूँ, जिस भी फील्ड में आप जाएं, अपना एक एम बना के जाएं और उसमें एम बना के उसमें मेहनत करें,